हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज है सेवन्थ जेन, राइट? सेवन्थ जेन 21। ठीक है, तो अभी बस अभी हम रेडी हो चुके हैं, दोबारा निकलने के लिए टूवर्ड्स महादेव पिछली बार। तो इधर होटल में रुके थे, ऐसा कुछ है होटल, ये रूम तो अच्छा है, मतलब बेड जीरे थे थोड़ा वॉर्म के लिए, कंबल भी सारे का नीचे रजाई है, थोड़ा सोफा अरेंजमेंट है, ब्रेकफास्ट के लिए है, ब्रेकफास्ट भी किया हमने इधर, बैठ तो टेलीविजन किया बट ये हमने देखा ही नहीं, चलता भी नहीं है। और ये वॉशरूम है, वॉशरूम भी अच्छा खासा है, वॉशरूम अच्छा खासा है इधर का, मतलब काफ़ी अच्छा लगा अभी तक जहाँ भी स्टे किया। तो होटल का नाम है होटल रिवर व्यू साइट, रिवर साइट व्यू समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा है, तो इधर से ये है होटल रिवर साइट गेस्ट हाउस, नंबर नोट कर लेना अगर चाहिए हो तो। ये है थोड़ा व्यू, इधर टेंपल है पास में और साथ में इधर ऊपर वैली में सनराइज हो रखा है, पूरे रेज आ रही है, बहुत सही मौसम है। बस अब हम जाएंगे बिजली महादेव को, देखते हैं बस मिलती है, कैब मिलती है या कैसे पहुँचते हैं वहाँ तक, बाकी अपडेट जो भी होगा देता हूँ रास्ते में। गुड मॉर्निंग। तो ये रास्ता जाता है मणिकरण कसौल और बिजली महादेव को, और लिखा हुआ है मनाली 39 किलोमीटर, नगर 27, मनाली 37 किलोमीटर, रोहतांग 91, ले 500 किलोमीटर। तो इधर मनाली के लिए दो रास्ते लगा रखे, एक 39 किलोमीटर, एक 37, पता नहीं ऐसा क्यों है, पता नहीं। ऊपर स्नो पड़ी हुई है, देखो यहाँ तक पहुँच जाती है स्नो पर, मतलब इधर टाउन में बहुत कम होती है, ऊपर ऊपर तक ज़रूर हो सकती है, कुछ ऐसा भी हुआ यहाँ का। बढ़िया, इधर से बस हम रुक के बस ले रहे हैं, और अभी वो मैंने भेजा है रूथ को चाय लेने के लिए उधर, तो बस बाकी देखते हैं कब पहुँचते हैं, कैसे रहेगा सारा जो भी रहेगा। उधर का ट्रैकिंग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, मेन वीडियो जाके वहाँ बनाऊँगा, बाकी अपडेट देता रहूँगा अगर कुछ इंटरेस्टिंग दिखा तो। बाय।
हेलो भाई लोग, तो हम पहुंच चुके हैं बिजली महादेव के स्टार्टिंग पॉइंट से। इधर से अभी बिजली महादेव हमें लगेंगे 2 to 3 kilometers हमें वॉकिंग डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। दैट इज़ काइंड ऑफ अ हाइकिंग, सो दैट्स गुड। सो लेकिन इधर से जो व्यू है, दैट्स व्हाट कैन आई से, व्हाट कैन आई डिस्क्राइब इन वन वर्ड, इट्स स्टनिंग, ऑसम। अच्छा वो इधर आए, सच में बहुत अच्छा लग रहा है, अभी दिखाता हूँ। तो अभी हम ट्रैक कर ही जा रहे हैं, स्टेयर्स चढ़े जा रहे हैं, ख़त्म नहीं होने पे आ रही हैं। और अभी काफ़ी डिस्टेंस कवर कर लिए हैं, लेकिन डिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं जब आप पहाड़ में हो, तो इसलिए। लेकिन जितना ऊपर जाते जा रहे हैं व्यू बहुत अच्छा लगता जा रहा है, सो ऐसी बात है। और अभी बस मुझे लगता है आगे जाके थोड़ा सीढ़ी ख़त्म होएगी और मेन ट्रैक स्टार्ट होगा और प्लेन रीजन आएगा। सो लेट्स सी आता है कि नहीं। मेन वेल आप व्यू देखो कितना सही है।
तो ये भी हमारे साथ साथ हमें छोड़ने आ रहे हैं। आ जाओ। हाँ भाई, हमें छोड़ने आया क्या शर्मा? क्या शर्मा जी, आइए चले हमारे साथ साथ। अच्छा, कुछ खाना है क्या? कुछ खाना है? भूख लगी है? कुछ खाना है? यो, तो आपको पता ही है हम लोग चल रहे थे बिजली महादेव की तरफ। हमने स्टेप्स स्टार्ट कर दिए थे, स्टेप्स ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, कंडीशन ऐसी है। हम लोग सोच रहे हैं कि मे भी हम हाफ वे आ चुके हैं, बट ऐसा लग रहा है कि स्टिल टाइम है। लेकिन कोई आ रहा था तो हमने उनसे पूछा कि कितना टाइम लगेगा, तो उन्होंने बोला कि आपको एटलीस्ट अभी मैक्सिमम 30 मिनट्स लगेंगे। सो लेट्स सी अगर उतना लगेगा। एक्चुअली बात क्या है, यहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं और जो लोग आए हैं वो लोग कार से अपनी आए हैं आगे तक, लेकिन हमने क्या किया है, हमने लोकल ट्रैवल किया है और हम लोग ऑलरेडी नीचे रुके थे और हमें हाफ डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करना पड़ा है। सो अगर आप आ रहे हो तो बी मेक श्योर कि अगर आप अपनी व्हीकल से आ रहे हो तो कहाँ तक आना है आपको, लेकिन और अगर आप कुछ लोकल ट्रैवल कर रहे हो देन आपको एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। बट इट्स गुड, इट्स वर्थ इट, मतलब इतना भी नहीं है, यंग बंदा आराम से चल सकता है। जो थोड़े ओल्ड एज होंगे उनको मे भी थोड़ा परेशानी हो सकती है, बहुत परेशानी होगी। So, वो मेक श्योर अबाउट दैट, दैट्स इट। और तो कुछ नहीं, बस अभी आगे जाएंगे तो अपडेट देते हैं आपको। थैंक यू। तो 150 रुपये में डॉक्यूमेंट मिल जाता है। ओके ओके, ऐसे है। अगर रूम चाहिए, रूम के फिर प्राइस ऐसे होते हैं। वो तो मम्मी को कॉल करता हूं। कॉल उसको होता है ऐसे? ना करो, आपको मर्जी कर लो। मैं आराम से दौड़ो। आजकल का नज़ारा अलग है, गर्मियों में बिल्कुल ग्रीन रहता है, ग्रीन होएगा ना, और सर्दियों में बिल्कुल वाइट। जब मैं पड़ती ना, लास्ट टाइम आया था पूरा वाइट था। ओके, मेरे को लगा थोड़ी बहुत तो रहेगी इधर आज। एक्चुअली मुझे लगता है बर्फ पड़ी बट मेल्ट हो गई, है ना? उधर सामने लग रहा है मेल्ट हो गई। इस बार बारिश में नहीं है। किधर पाइपलाइन दिख रही है? पाइपलाइन से आ रही है। हाँ, वो वाली, वो ये हाइड्रो प्रोजेक्ट है मिलाने के लिए पानी। अच्छा अच्छा, नीचे वो वहीं से जब राइट पर आ गई उधर, तो कॉल करता है। अच्छा, इसके पीछे है कसौली वैली के, ये उसके पीछे है पहाड़ दिखाई दे रहा है, इधर वाला पहाड़ जो। हाँ हाँ, अच्छी है तो बहुत।